ताकि उनको भी राहत मिले। को उनके पद से हटाना, छुट्टी पर भेजना सीबीसी के कहने पे। कई बातें हैं उस रात मध्य रात्रि की घटना की जो पूरी जिसपे गंभीरता से जांच आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि सरकार का वो फैसला गलत था और सीबीआई के डायरेक्टर को पुनः अपने पद पे बहाल किया। सरकार का वो निर्णय सीवीसी की सिफारिश पर आधारित था। सीवीसी को भी ये अधिकार नहीं कि वो सीबीआई के डायरेक्टर को नियुक्त करें, उनको पद से हटाएं या उनका तबादला करें, ना ही दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की में ऐसा कोई अधिकार किसी को दिया गया है। और अब जो समिति, हाई लेवल कमेटी जो बनी है, जो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति करती है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, विपक्ष के नेता उसमें हैं और भारत की मुख्य न्यायाधीश। अगर आप सीबीसी एक्ट भी जिन्होंने पढ़ा है उनको भी मालूम है कि सीबीसी को ये अधिकार नहीं था। प्रश्न ये है कि कल ही सीबीआई के डायरेक्टर वापस अपने कार्यालय जाते हैं और प्रधानमंत्री की घबराहट बौखलाहट स्पष्ट आती है क्योंकि कल ही वो बैठक बुला लेते हैं हाई लेवल कमेटी की। क्या कारण था, कौन सी ऐसी वजह है कि वो प्रधानमंत्री जिनको चिंता नहीं भारत की संसद के अंदर जब महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होती है, परसों और कल जो लोकसभा में और राज्यसभा में भी हुई, प्रधानमंत्री सदन में बोलते नहीं, सदन में जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब नहीं देते, पर चंद घंटों के अंदर मीटिंग बुलाते हैं। पहले तो जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनके कानूनी अधिकार भी हैं, कोई भी अगर सीबीसी की रिपोर्ट है उनको दी जानी चाहिए, कमेटी के दोनों सदस्यों को, अदालत के तो मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि कल थे, अदालत को तो मालूम है कि क्या रिपोर्ट है, पर विपक्ष के नेता, हम तो वही कहेंगे चाहे इन्होंने उनको पहचाना या नहीं खड़गे जी को, पर वही हैं प्रमुख विपक्षी दल के नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, उनको पहले रिपोर्ट दी जानी चाहिए, उसको पढ़ें देखें और उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा जी को पूरा अवसर मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए उस पर अपने वो उनकी प्रतिक्रिया देने का। कोई कारण नहीं है क्या वो बहाल होने के बाद कोई भी बाधा उनके काम करने में डाली जाए प्रधानमंत्री की तरफ से और सरकार की तरफ से। ये न्यायोचित होगा कि वो 77 दिन जब सीबीआई के डायरेक्टर को एक गलत फैसले से, इसका कोई अधिकार नहीं था कानून में, उनको छुट्टी पर भेजा गया, वो 77 दिन इनको वापस दिए जाने चाहिए क्योंकि 2 साल का फिक्स टेन्योर है सीबीआई के डायरेक्टर का। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, एक संस्था की विश्वसनीयता की, प्रमाणिकता की, निष्पक्षता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने सीबीआई को एक संस्था के रूप में पूर्ण रूप से कमजोर करना और बर्बाद करने का काम किया है, जिससे सीबीआई की अपनी एक विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग चुका है। उसके बाद अब हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय को भी इस पे गौर करना चाहिए।
जाहिर है कि प्रधानमंत्री और सरकार इनके सक्सेसर को भी, इनके बाद कौन बनेंगे डायरेक्टर, उसके लिए भी तुरंत ही काम करना चाहते हैं। और उसका पैनल कौन बनाता है? जो चार बैचेस लिए जाते हैं सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के, वो सीवीसी पैनल बनाता है, गृह मंत्रालय के साथ उसका समन्वय करके, चर्चा करके गृह मंत्रालय नाम भेजते हैं। जो सीवीसी खुद ही अब शक के दायरे में आ चुके हैं, जिस सीवीसी को नैतिकता के आधार पर अपने पद को छोड़ देना चाहिए था परसों, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, सीवीसी को कोई अधिकार नहीं, उनकी जवाबदेही सीधी बनती है। सीवीसी से यह अपेक्षा की जाती है कि देश में सतर्कता का काम निष्पक्ष तरीके से करेंगे, केवल सरकार के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में नहीं। पर इस सीबीसी की अपनी अब विश्वसनीयता नहीं रही, अब वही पैनल बनाएंगे जिन्होंने सरकार के कहने पर काम किया, प्रधानमंत्री के, वो नहीं होना चाहिए। ये भी हमारी तो मांग है सर्वोच्च न्यायालय को, यह भी देखना है, पर उससे ज्यादा हाई लेवल कमेटी को भी यह देखना पड़ेगा कि वर्तमान डायरेक्टर के पूरे दो साल का वो अपना कार्यकाल, जो उनकी अवधि है, वो उनको मिले और निष्पक्ष चयन हो सीबीआई के अगले डायरेक्टर का, ताकि इस संगठन को, जो बेहद जरूरत है आज अपनी छवि को ठीक करने की और लोगों का विश्वास दोबारा पुनः जीतने की, वो संभव हो सके।